हेलो, माय नेम इज अनन्या और आज बात करने वाले हम इस टॉपिक पे कि भीख देना सही है या गलत है। गलत है मैम, बहुत ही गलत है। हम भी यहाँ जो बच्चे मांगते घूमते हैं, हम उनको यही कहते हैं कि माँ बाप को उनकी चाय दो, शब्द पढ़ाएं, स्कूल में जाएं, अच्छे शब्द पढ़ें दो। माँ बाप उनके खुद मंगवाते हैं भीख, तो हम लोग अगर उनको नहीं कहेंगे, उनके माँ बाप को अगर कुछ दो अच्छे शब्द बोलेंगे कि भैया अपने बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन कोई बोलते ही नहीं। अगर किसी को गरीब को अगर आप डांटोगे रोड में तो दूसरा बोलता है क्यों डांट रहे हो, तो ये गलत है ना। दूसरा सपोर्ट लेता है गरीब की, नहीं बेचारा गरीब है, सपोर्ट मत लो उसको, वो गरीब नहीं है। गरीब आज के ज़माने में कोई गरीब नहीं है। अगर आप कोई गरीब को थोड़ा बोल दोगे ना कि भैया क्यों ऐसा कर रहा है, चोरी क्यों कर रहा है, तो दूसरे आके बोलते हैं तो आपने गरीब को क्यों बोला, तो ये गलत है क्योंकि आप जनता ही खुद गरीब बनाती है। गलत है क्योंकि भगवान ने हाथ पांव दिए हुए हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो और छोटे बच्चों से भीख नहीं मंगवाना चाहिए। गलत इसलिए भगवान ने सबको हाथ पैर देखा, अपन कमाओ खाओ, मांगना गलत ही है। छोटे बच्चों से खासकर मंगवाना गलत है, बच्चों का भविष्य क्यों बिगाड़ रहे हो। बच्चों से भीख मंगाना तो जस्टिफाइड नहीं है ना, बिकॉज अदरवाइज दे विल नेवर बी एबल टू वर्क। जब बड़े होंगे तब भी भीख ही मांगते रहेंगे, काम नहीं करेंगे वो। गलत है, जब तक मतलब यंग है तो काम करके मेहनत करके खा सकते हैं ना, भीख मांगना तो बिल्कुल गलत है। नहीं, मेरे हिसाब से गलत है बिकॉज आप कुछ भी काम कर सकते हो उसकी जगह भीख मांगने की जगह। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हेल्दी होते हैं, स्टिल दे गो एंड बैक, व्हिच इज रॉन्ग। बिल्कुल गलत है क्योंकि जब आपके हाथ पैर सब सही है तो आप कुछ अच्छा काम करके पैसे कमाएं। भीख मांगना गलत है, बच्चों को उनकी पढ़ाई कराओ, उनको लिखवाओ, काम कराओ ढंग से। बिल्कुल भी नहीं, अगर आप बच्चों को भीख दोगे या किसी भी को भी भीख दोगे, आप उसको और बढ़ावा दे दो भीख मांगने के लिए, और ताकि और जगह जाएगा वो भीख मांगेगा, और साथ ही साथ आप उसको भीख के बदले रोटी की जगह आप उसको पैसों की जगह रोटी दे सकते ताकि उसका पेट भरे। बड़े बड़े माफियों का हाथ है, इसे हमें जल्द से जल्द रोकना होगा ताकि उनको इसका रोकने का एक ही तरीका है, उनको भीख ना दे। भीख मांगना मेरे हिसाब से गलत है। जो लोग मांगते हैं, अगर वो कब मांगते हैं, जब हम उन्हें भीख देते हैं। अब हम उन्हें कुछ मतलब जब मुझे ऐसे कुछ एनकाउंटर होता है कि मुझे किसी को कुछ देना है तो मैं पैसे देने के बजाय राजन कुछ खाने की चीज़ उनको दे देती हूँ, क्योंकि इतनी इतनी न्यूज़ हम सुनते हैं कि इस भिखारी के पास 50 लाख निकले, इसके पास इतनी प्रॉपर्टी निकली, उसके पास उतनी प्रॉपर्टी निकली। तो ये सब न्यूज़ सुन के शायद कोई जो जेन्युइन भी गरीब होता होगा उस पे भी विश्वास सा नहीं होता आज की डेट में। सो बेटर मुझे यही लगता है कि हम कुछ खाने की चीज़ उन्हें दें अगर है। बट वैसे भीख मांगना गलत है, मेहनत करके कमाना चाहिए। जो लोग कर सकते हैं, जिनके हाथ पैर बिल्कुल ठीक हैं, बुद्धि बिल्कुल ठीक है, अच्छे से सोच सकते हैं, इंटेलिजेंट हैं, उन लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि वो काम करें, अपने काम मेहनत से कमा के खाएं। Yeah, you should never do it because this is not a good thing when you are asking for just for something that okay we want something to eat and then what these people are doing, they are going one person and then they are going to other person and then whenever they are having that plenty of things then they are selling it again. So it's not good. They should study and then they should, you know, they should be on their own. They should not ask for anything else from anybody else. They should go to schools which government has opened for them. Then we are blaming government that government is not doing anything. It's doing a lot of things, but the people, they don't want to, you know, work. They don't want to do hard work. This is what the thing is. काम करना चाहिए, गलत है ये। इसके लिए क्या कर सकते, भीख देना बंद कर दे तो अपने आप ही कम हो जाएंगे। संस्कार खराब होंगे, भविष्य खराब होगा। अगर मेहनत करने का और उसको विद्या का कुछ कोशिश करी जाए, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ जो भी हैं, एनजीओस हैं, उनकी हेल्प करें तो हो सकता है उनके लिए बेटर फ्यूचर होगा। दया शब्द का जो सा हमारे मन में एक विचार रहता है कि हमने दया करनी है, तो दया करने का तरीका भीख देना नहीं है। उसकी हेल्प आप किसी और दूसरे एंगल से भी कर सकते हैं। वो कोशिश करो कि अपने दिमाग में या अपने विचारों में कि हम उसकी दया के हिसाब से हेल्प करें, उसको आटा ना देकर उसको भूख दो।